गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की टीम गई थी, लेकिन जुआरियों और ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर जुआरियों ने, ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दरअसल जो पुलिस की टीम है वो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंची थी। ये सूचना मिली थी कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसके बाद पुलिस टीम पर इन लोगों ने हमला कर दिया। मारना नहीं किया, तो ग्रामीणों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ लोग दुकान खोले हुए हैं, उसी के लॉकडाउन के चलते पुलिस फोर्स पहुँची थी वहाँ पर, उसी का उन लोगों ने विरोध किया और हमलावर हो गए। क्या जुआ भी कुछ लिया है? ऐसी सूचना मिल रही थी कि जुआ खेल रहे हैं कुछ, वहीं घर के बाहर बैठकर, तो इसी सूचना पर पुलिस पहुँची थी वहाँ पर। कुछ लोगों ने बल प्रयोग करने का प्रयास भी किया और पुलिस के ऊपर जो है लाठी डंडे भी चलाए हैं, जिनमें पुलिस ने बल प्रयोग कर 10 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से एक महिला भी है। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 431 तक पहुंच गया है। 431 में से 32 को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक 8,402 सैंपल भेजे गए, जिनमें 94 की रिपोर्ट आना बाकी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों के जांच के लिए भी निर्देश दिया है, और ये भी कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और सहारनपुर में जांच की सुविधा स्थापित की जाए, और हर जिले के लिए, जैसा कल बताया गया था, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि आयुष विभाग द्वारा बचाव और उपचार के लिए एक नया ऐप विकसित किया जाए, और साथ साथ जो व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में है, यह भी निर्देश दिया है कि यदि उनके 14 दिन पूरे हो जाते हैं और नेगेटिव हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाए। मेडिकल कॉलेज जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेडिकल क्वारंटाइन है उसमें इस समय 8,671 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, एक आ गया मेडिकल क्वारंटाइन में। अभी तक सैंपल की टेस्टिंग हुई है वो 9,041 सैंपल लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से लड़ने में अब तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। खासतौर से हॉटस्पॉट की निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए की जाने की तैयारी है। सरकार अपनी इस योजना को किस तरीके से लागू करेगी, इस पर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से संवाददाता अनुभव शुक्ला ने बातचीत की। अब कैसे हाईटेक इक्विपमेंट के जरिए कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी हो रही है, इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में के जो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी। सर, आपने आज ट्रायल देखा है, हम ये कहें कि ये हाईटेक वर्जन होगा और इससे कोरोना संक्रमण से निपटने में भी मदद मिलेगी? जी जी, ये एक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें पुलिसिंग में। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे फोम स्प्रेस जो है, नई मशीन्स आ गई हमारे फायर ब्रिगेड्स में, तो फोम स्प्रे से जो हाइपोक्लोराइड का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे व्यापक रूप से जो है डीफ्यूमिगेशन का, इस सब डिसइंफेक्शन का जो है अच्छा काम हो सकेगा। अब जहाँ तक सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग का सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का सवाल है, ये एक बहुत आसान तरीका, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का नॉर्मल टाइम्स में सवाल है, रात बेरात में ट्रैफिक को मेंटेन करने का सवाल है, ये सब चीज़ें ड्रोन कैमरा से बहुत सस्ते में आजकल जो है देखी जा सकती हैं। तो आप देखते होंगे कि आजकल CCTV लगाया जाता है तमाम सारे चौराहे में। CCTV अगर ना लगाएं और ड्रोन कैमराज यूज़ करें, तो ड्रोन्स कोई बहुत महंगे नहीं है, तो ऐसे में ड्रोन से बहुत सस्ते में हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और अगर हमारे पास थर्मल कैमराज हैं तो नाइट विजन के कैमराज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा होता है। और लॉकडाउन के समय में भी निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी? निगरानी जो है, मीडिया निगरानी जैसे रखती है अपने कैमरा से, अब हम लोग जो है ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखेंगे, जिससे पता लग जाए
मीडिया के पहुंचने से पहले ही पता लग जाएगी कहां पर जो है भीड़ इकट्ठा है। आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का, और पर कह रहे हैं कि आज तकनीक का जमाना है और हाईटेक हो रही है तकनीक, इसीलिए ये जो ड्रोन कैमरे हैं इनके जरिए निगरानी की जाएगी, खास तौर से इस कोरोना संक्रमण में जो लॉकडाउन इलाके हैं जिन्हें सील किया गया है वहाँ हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पहले लखनऊ में 3 दिनों तक ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा और उसके बाद प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ये जो ड्रोन कैमरे हैं वो भी लगाए जाएंगे और उनके जरिए निगरानी का काम किया जाएगा। कैमरा सभी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जेलों में मास्क के बाद पीपीई किट बननी शुरू हो गई है। जेल में बंद कैदी दिन रात पीपीई किट बनाने में जुटे हैं। लखनऊ की आदर्श जेल में बनी पीपीई किट बलरामपुर हॉस्पिटल को सौंपी जा चुकी है। जेल में बनाई जा रही पीपीई किट 600 रुपये में बनाई जा रही है। तो पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है कोरोना के चलते, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जहां पर आपूर्ति हो रही है वहां पर शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में आदर्श जेल एक बड़ी मदद मुहैया करा पा रहा है। जिले के बार काउंसिल के अधिवक्ता ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जंगल में जाकर अपना आशियाना बना लिया। यहां पर अधिवक्ता मुकुल त्यागी खाना पीना रहना और धार्मिक किताबें पढ़कर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मुकुल त्यागी और उनका बेटा कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए पेड़ पर अपना आशियाना उन्होंने बना लिया। मुकुल त्यागी का ये ट्री हाउस अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ में सील हुए इलाकों की ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू हो गई है। पुलिस के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने ड्रोन कैमरों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। पुलिस के आला अफसरों ने टेस्टिंग के बाद खुद ड्रोन से निगरानी की। सराफा बाजार और कसाईवाड़ा इलाके में हाई क्वालिटी का ड्रोन उड़ाया गया और इलाके पर नजर रखी गई। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस को निगरानी के लिए 8 ड्रोन कैमरे सौंपे गए। नोएडा में भी सील एरिया पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पॉश और घने इलाकों के ऊपर ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। साथ ही सभी हॉट स्पॉट एरिया में ड्रोन कैमरों की मदद से बाहर घूम रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भी चेकिंग की जा रही है। तो अगर हम प्रदेश के हॉट स्पॉट्स की बात करें तो नोएडा बहुत संवेदनशील है और यही वजह है कि जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए मॉनिटरिंग हो रही है, बाहर घूम रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और ख़ास तौर से जो सील एरिया हैं वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई गाइडलाइंस को छेड़ तो नहीं रहा है। वाराणसी में लॉकडाउन का पालन सिर्फ शहरी स्तर पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है और हर कोई प्रधानमंत्री की अपील पर मुंह पर गमछा रखकर बचाव करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं और उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष से फोन पर वाराणसी की जानकारी ली और आरोग्य सेतु ऐप को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। पीएम मोदी ने मास्क की फिजूल खर्ची से बचकर गमछा अपनाने की बात भी कही। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे ने बीजेपी जिलाध्यक्ष से इस बारे में बातचीत की। बीजेपी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इनसे प्रधानमंत्री से फोन पर क्या बात हुई, कैसे और किस तरह से प्रधानमंत्री ने हालचाल लिया और इसके साथ ही किस तरह के निर्देश दिए। हंसराज जी, क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब फोन आया तो सबसे पहले तो हमने भाव विभोर हो गया। फिर उन्होंने हालचाल पूछा, फिर क्षेत्र के बारे में पूछा कि क्या स्थिति है। फिर मैं बताना शुरू किया कि यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ यहाँ चल रही है, हमने बताया। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में भी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी, जो आपका आह्वान जो होता है, यहाँ आह्वान आते ही, आदेश आते ही जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों जो है एकदम 100% पालन करने के लिए आदेश आते ही तैयार हो जाते हैं। और जानना चाहेंगे आरोग्य सेतु ऐप, इसको प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देके कहा कि इसके लिए अभियान चलाइए। दूसरी चीज गमछा और मास्क को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं यह भी कहा कि खर्च और तो इसमें क्या संकेत क्या है और आगे क्या अभियान चलना है? आगे उन्होंने कहा कि बेवजह का खर्च न हो,
गमछा सबके घर में रहता है, तौलिया सबके घर में रहता है, तो मास्क खरीद कर या बनवाने से अच्छा है कि अपना गमछा लपेट कर लोग चलें। और आगे अब बीजेपी क्या करने? उन्होंने कहा कि जी कोई भी छूटना नहीं चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सबका आरोग्य सेतु जो है लोड कराइए। तो बीजेपी और उसके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री के कथनों पर अमल करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को जन जन तक पहुंचाने के लिए लग गए हैं, और इसके साथ ही लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास मास्क ना हो तो आप गमछे का प्रयोग करें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान को कोविड 19 अस्पताल बनाने का फैसला किया, जहां पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल को WHO के मानकों के तहत तैयार किया गया है। 4 से 5 दिन में अस्पताल को शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल में 40 ICU और 60 non-ICU बेड होंगे। बता दें कि इससे पहले SGPGI के एपेक्स ट्रामा सेंटर को कोविड अस्पताल बनाया जा चुका है, जहां पर 210 बेड का इंतजाम किया गया है। बस्ती के 3 इलाकों को कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसमें तुरकहिया, मिल्लत नगर और गिदही खुर्द हॉटस्पॉट में शामिल हैं। इन इलाकों के 2-2 किलोमीटर के एरिया में किसी के भी जाने की इजाज़त नहीं है। जिले में अब तक 9 कोरोना संक्रमित मामले इन्हीं इलाकों में मिले हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। तो बस्ती में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है और जिले के 3 इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया। लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में पूरे इलाके को सील किया गया है, जहां से न कोई आ सकता है ना जा सकता है, और लगातार पूरे क्षेत्र का सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है। आगरा में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने 10 मरीजों को मथुरा शिफ्ट किया है। आगरा से आए 10 कोरोना मरीजों को वृंदावन के हेडगेवार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटाइन किया गया है। CMO के मुताबिक ये प्रोटोकॉल में शामिल है कि अगर किसी जिले में मरीजों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें प्रदेश के किसी भी ज़िले में शिफ्ट किया जा सकता है। आजमगढ़ में कोरोना के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन सख्ती बढ़ाता जा रहा है। दिल्ली मरकज से जिले के मुबारकपुर लौटा जमाती कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच कराई तो जमाती के संपर्क में आए एक और व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद अब प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी जमातियों से अपील की है कि मरकज से लौटे सभी लोग खुद ही आगे आकर जाँच कराएं, साथ ही खुद से इलाज कराने वाले जमातियों को SP ने आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 रुपये का इनाम भी दिए जाने की घोषणा की है। लॉकडाउन में हर कोई अपने हिसाब से जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। ऐसे में आगरा में फेज 2 के रहने वाले पृथ्वीराज लोधी भी शामिल हैं, जो रोजाना करीब 300 फूड पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचवा रहे हैं। तो अपने अपने स्तर पर समाज की सेवा लोग कर रहे हैं, और इसी फहरिस्त में कम्युनिटी किचन के जरिए जो कोशिश हो रही है उसमें पृथ्वीराज भी हैं, जो रोजाना लगभग 300 फूड पैकेट जरूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। मुरादाबाद में लॉकडाउन को देखते हुए गुड फ्राइडे के मौके पर ईसाई धर्म के लोगों के साथ पीली कोठी चर्च के फादर ने ऑनलाइन प्रार्थना की। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पहले ही लोगों से चर्च न आने की अपील कर दी गई थी। लॉकडाउन का पालन करते हुए गिरजाघर से ऑनलाइन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। संत कबीर नगर में लॉकडाउन के वक्त खेत में गेहूं काटते नजर आए संत कबीर नगर के डीएम रविश गुप्ता का खेत में गेहूं काटते वक्त का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो संत कबीर नगर के डीएम हैं रविश गुप्ता, और इस बात की भी प्रशासन जांच पड़ताल और ख्याल रख रहा है कि
खेतों में जो कटाई का काम चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है। इसी दौरान जब डीएम साहब खेत में पहुंचे तो उन्होंने भी गेहूं की कटाई शुरू कर दी। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट में सैनिटाइजेशन के लिए टनल लगाई जा रही है, जिसमें आने वाला व्यक्ति पहले सैनिटाइज होकर अंदर जाएगा, फिर उसके बाद फिर वापस उसी रास्ते से सैनिटाइज होकर बाहर जाएगा। इस तरह का ये टनल अलीगढ़ में दो जगह पर लगाए जा रहे हैं, पहला कलेक्ट्रेट और दूसरा दीनदयाल अस्पताल में। ये टनल संभवतः कल से काम करना शुरू कर देगी। तो अलीगढ़ की तस्वीर है जहां पर दो सैनिटाइजिंग टनल बनाए जा रहे हैं। एक टनल है जिसमें आने और जाने में व्यक्ति को अब जो प्रॉपर मेडिकेटेड जो भी स्वास्थ्य विभाग की पैरा गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। इसमें कलेक्ट्रेट में चूंकि भारी मात्रा में लोग आते जाते रहते हैं तो आएंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली सैनिटाइजेशन हो जाएगा और जाएंगे तो भी। लॉकडाउन के दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मां की ममता बंदिशों को नहीं जानती। इसीलिए तेलंगाना की रजिया बेगम बिना किसी की परवाह किए अपने बेटे को लेने स्कूटी से निकल पड़ी। बेटा आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ था, जिसे घर वापस लाने के लिए रजिया बेगम ने 1400 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया। रजिया 6 अप्रैल को पुलिस की इजाज़त लेकर अकेले ही स्कूटी से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के लिए निकल गईं और लगातार स्कूटी चलाकर अगले दिन दोपहर नेल्लोर वो पहुंच गईं, फिर वहां से बेटे को लेकर वापस तेलंगाना आई। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद में रेल मंत्रालय के आदेश पर रेलवे पुलिस रोजाना 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा 500 महिलाओं को पूरे महीने का राशन भी उपलब्ध कराया गया है। खास बात यह है कि रेलवे ने लंच के लिए दोपहर 12 से 1 के बीच का टाइम घोषित कर दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मुफ्त खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। यहां पर पहुंचने वाले लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं और सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जो कोटला मस्जिद के पास काजी जादगान मोहल्ले के रहने वाले हैं, इनका टेस्ट हुआ तो एक कानपुर में पॉजिटिव पाए गए। और हमारे प्रदेश में सभी जगह ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं और उनको पूरी तरह से सील किया जा रहा है। तो इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार जो जमात में शामिल हुए लोग हैं वो स्वेच्छा से नहीं बता पा रहे हैं, बीच बीच में वो निकल रहे हैं, और सुरक्षा और सतर्कता के दृष्टिगत ये कदम उठाया गया। प्रतापगढ़ में लोगों ने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाकर आभार जताया। रानीगंज सीओ अतुल अंजान जब बाजार पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी के वक्त भी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, इसीलिए सही मायने में आपातकालीन स्थिति में सेवा दे रहे लोग ही असली हीरो। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई अपने तरीके से सहयोग कर रहा है। ऐसे में शामली के एक डॉक्टर भी तन मन धन से जुट गए हैं। जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात विजेंद्र लोगों के घर घर जाकर कोरोना के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। विजेंद्र ने अपने वेतन से 1 लाख का योगदान दिया है। इसी तरह उनकी टीम का हर सदस्य किसी न किसी तरह से योगदान दे रहा है। इन पैसों से इनकी टीम सेवा में लगे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, सफाई कर्मी, सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों को सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं, साथ ही गरीब लोगों को खाने पीने का सामान भी वितरित कर रहे हैं। कन्नौज में मास्क की आपूर्ति पूरी करने के लिए पुलिसकर्मी भी लगे हैं। यहां पर एक महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद बाकी वक्त में 3 लेयर मास्क बनाकर लोगों की मदद कर रही हैं, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने भी लोगों को ऐसा करने की सलाह दी है, जिसे ये महिला पुलिसकर्मी बखूबी निभा रही हैं। अब तक ये सैकड़ों मास्क बनाकर लोगों की मदद कर चुकी हैं। पुलिसकर्मी के इस काम को जिले के अधिकारी भी सराह रहे हैं।
गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।